Assalamualaikum and Assalamualaikum everyone. Hope you guys are doing well. So आज हमारे ट्रिप का डे 3 और आज हम जाएंगे लेक लुइस और बाकी भी जितनी जगह है वहाँ पे भी घूमेंगे. सो अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड भी रेडी है. सो अभी टाइम बज रहा है 1 बजे, हम आज लेट हो चुके हैं, लेकिन होपफुली आज हम ज़्यादा इन्जॉय करेंगे और काफ़ी जगह भी जो है हम घूमेंगे. तो मेरे साथ ही रहेगा वेव वीडियो के एंड तक, ताकि आप सभी मेरे साथ ही जो है इन्जॉय कर सकें. सो या तभी जो है हम घर से रवाना हो चुके हैं और लेक लुइस जो है वो यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर है. सो होपफुली हम जल्दी ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे. और ये पहाड़ देखिए आप माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग हुई है. सो होपफुली हम जल्दी लेक लुइस पहुँच जाएंगे, क्योंकि घर से निकले हमें काफ़ी टाइम हो चुका है. और जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं. तो अभी हम जाएंगे पार्किंग, जहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद ही हम लेक साइड पर जाएंगे, क्योंकि पहले हमने गाड़ी को पार्क करना है, फिर उसके बाद पैदल ही लेक की तरफ आना होगा हमें. तो गाड़ी पार्क करने के बाद हम अभी लेक की तरफ ही जा रहे हैं. और आप देख सकते हैं ये लेक कितना खूबसूरत है माशाल्लाह. ये मैंने पहली मरतबा देखा है, मैं तस्वीरों में देखा करती थी इससे पहले, लेकिन तस्वीरों से ज़्यादा जो है रियल में आपके सामने जब ये व्यू और पानी होता है ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है. तो ये आप देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं धुंध भी है. तो हम सिर्फ गए थे, हमने जो हमारे ट्रेडिशनल कपड़े थे वो हमने पहने थे, ताकि वहाँ पे तस्वीरें ले सकें. तस्वीरें लेने के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं खाना खाने. भूख लगी हुई थी तो हमने सोचा क्यों ना खाना खा लें, उसके बाद ही आगे का सफ़र करेंगे. हाय वंस अगेन. सो अभी हमने खाना खा लिया है. सो खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट भी हमने ले लिया है. सो उसके बाद अभी हम जाएंगे बोट पर. इट्स माय फर्स्ट टाइम. अबू के साथ इससे पहले गई थी, अबू और बहन भाई के साथ, लेकिन अभी जो है मैं अकेले हूँ अपने हस्बैंड के साथ. सो या होपफुली मज़ा आएगा, और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है. मैं एक्साइटेड हूँ. सो आप सभी मेरे साथ ही रहिएगा, एंड होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द व्लॉग सो फार. सो ये वीडियो जो है आपने एंड तक देखनी है, एंड आई होप आपको आज का व्लॉग में ज़रूर पसंद आएगा. हाय वंस अगेन. सो बोट पर जाने का जो है प्लान हमारा कैंसिल हो चुका है, क्योंकि अम्मी की कॉल आई थी और उन्होंने कहा था कि हमने पानी में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि उनको डर लगता है कि अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए, कोई हादसा पेश ना आए. तो आज हम जो है पानी में जो है बोट पर तो नहीं जा सकते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन लेक के किनारे बैठकर ही हम व्यू इन्जॉय करेंगे. पहले के बनिस्बत अभी जो व्यू है वो काफ़ी क्लियर हो चुका है, जो धुंध थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है. और इसकी वजह से, क्योंकि अभी व्यू साफ नज़र आ रहा है, तो लोग भी जो है अभी ज़्यादा हो चुके हैं बनिस्बत पहले के. लेकिन माशाल्लाह से अभी मौसम भी काफ़ी हद तक जो है ठंडा हो चुका है, और व्यू भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है बनिस्बत पहले के. पहले काफ़ी ज़्यादा धुंध थी. इस लेक की ख़ास बात यह है कि इस लेक के सामने ही जो है फेयरमोंट होटल है. यहाँ पर लोग स्टे भी करते हैं. सो आपको सामने का व्यू ये लेक लुइस नज़र आएगा, और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये माशाल्लाह. अल्लाह की कुदरत के तो क्या कहने हैं भाई, जितना भी बोले तो कम है. कुरान मजीद में पूरी आया था ये कि हम अपने अल्लाह की जो है कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे. सो ये बिल्कुल सही है. आप एक एक चीज़ को आप देखिए, अगर पत्थरों को देखिए, पानी को देखिए, हर चीज़ जो है अल्लाह की ही तारीफ बयान कर रही है. और हर चीज़ में जो खूबसूरती है, बेशक ये भी अल्लाह की ही जो है बनाई हुई चीज़ें हैं. तो यहाँ पे मैं पानी के किनारे बैठकर अभी जो है इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि पानी इतना ठंडा था, क्योंकि जो हम BC से आए हैं तो वहाँ पे वेदर थोड़ा गर्म था, और यहाँ पे जो है वेदर काफ़ी हद तक ठंडा है. तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, एंड आई होप आप सब भी जो है मेरे साथ इन्जॉय कर रहे होंगे. तो अभी लेक के साइड से हम वापस घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, लेकिन जो पानी लेक का है वो काफ़ी जगहों से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि ये पार्ट भी जो है आप सबके साथ शेयर कर सकूँ. बिल्कुल जन्नत नज़ीर जगह है, बहुत ही खूबसूरत है. इस तरह से जगह जो है, इस तरह की जगह हमें या तो आपको पता होगा गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आती होगी, या कश्मीर में इसी तरह की जगह होती है. तो मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि ये जगह जो है बैंफ, ये कनाडा का जो है कश्मीर है एक हिसाब से, बहुत ही खूबसूरत जगह है. और आप ये पानी देखिए कितना साफ़ सुथरा पानी है. मेरे ख़्याल से पी भी सकते हैं, क्योंकि पानी जो है ठहरा हुआ नहीं है. सो जो पानी ठहरा हुआ होता है वो हम पी नहीं सकते, साफ़ नहीं होता, लेकिन ये पानी हम पी सकते हैं. मेरे ख़्याल से ये साफ़ है. और वेदर और ये व्यू माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है.
तो अभी यहाँ पे कुछ देर रहने के बाद हम रवाना हो जाएंगे क्योंकि हमने और जगहों पर भी जाना है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह से रवाना हो जाएंगे। हाय वंस अगेन, सो अभी हम वापस होटल की तरफ रवाना हो जाएंगे क्योंकि हमारा होटल जो है लेक लुइस से तकरीबन एक घंटे की दूरी पर है। सो अभी यहाँ पे 6 बज रहे हैं एंड वी हैव टू बी देयर ऑन टाइम। सो वहाँ जाके हम कपड़े बदलेंगे और फिर बाहर जाएंगे डिनर करने, तो खाना भी बाहर खाएंगे। एंड यहाँ पे आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ही खूबसूरत जगह थी एंड आई होप आप सबको भी ये जगह काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो या इंशाल्लाह मेरे साथ ही रहेगा और व्लॉग जो है आप सब ने एंड तक देखना है। तो यहाँ पे जो है हम होटल पहुँच चुके हैं और काफ़ी थक भी चुके क्योंकि जो है हमने काफ़ी ज़्यादा वॉक कर ली थी। ये होटल से बाहर का व्यू आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो अभी हम जाएंगे अपने कमरे की तरफ, वहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, मुँह हाथ धुलेंगे, तो सीढ़ियों पे ही चढ़ के आना पड़ता है यहाँ पर। सो हम काफ़ी थक चुके थे क्योंकि पहले भी हमने वॉक कर ली थी, उसके बाद जो है हमारे पास सामान भी था तो थक चुके थे। तो चेंज करने के बाद अभी जो है हम अपने होटल से बाहर निकला है ताकि बाहर की भी जो जगह है वो भी घूम सके। अभी हम जाएंगे बैंफ डाउनटाउन क्योंकि यहाँ का जो है डाउनटाउन एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैंने तस्वीरों में देखा था लेकिन मैं चाहती थी कि खुद जाकर भी देखूं। और ये जगह जितनी तस्वीरों में अच्छी लग रही थी उससे ज़्यादा जो है नज़दीक से प्यारी लग रही है। और यहाँ पे आते ही आप देख सकते हैं सामने जो है हमें मूस नज़र आ गए थे, तो सामने वाली गाड़ी भी हमारी रुक गई थी तो हमने भी अपनी गाड़ी रोकी ताकि नज़दीक से देख सके। लेकिन वो कहते हैं ना जितने भी नज़दीक से देखो आंखें नहीं भरती, तो हम गाड़ी से बाहर निकल आए थे, काफ़ी लोग जो है गाड़ी से बाहर निकल आए थे ताकि करीब से देख सके। लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मच्छर थे तो हमने सोचा कि देख लिया है, हमने तस्वीरें भी ले ली हैं, तो अभी हम वापस जो है गाड़ी की तरफ जाएँगे। तो उसके बाद हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है और यहाँ पे जो है हम डाउनटाउन का जो एरिया है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये जगह इतनी खूबसूरत है, इंशाल्लाह से जो बीसी में डाउनटाउन है मैं वहाँ का भी जो है आप सबको दिखाऊंगी कि वो जगह कैसी है, लेकिन आप ये भी देख लें। तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं मॉल, तो यहाँ पर हम जाएँगे फूड कोर्ट ताकि हम रात का खाना खा सकें। तो यहाँ पे आके हम देखेंगे कि क्या क्या हम खाने में ले सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमें हलाल खाना चाहिए, तो देखेंगे कोई भी अगर हलाल खाने की जगह हमें मिल गई तो हम वहीं से है खाना ले लेंगे, तो ताकि जो है रात का खाना ऑर्डर करके वहीं से खा सके। और आप देख सकते हैं 6000 स्टेप्स जो है मेरे दिन के मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि मैं वॉक करूँगी वो कम्प्लीट हो चुके हैं, तो उसके बाद भूख भी ज़्यादा ही लगती है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ये शवरमा की जगह पे, आप देख सकते हैं ये हलाल है, सो हमने सोचा यहाँ से शवरमा ले ले, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि पापा इसमें भी जो है अभी हलाल फूड ये लोग सर्व करते हैं क्योंकि पहले ये लोग नहीं करते थे, लेकिन अभी बैंक में जो है यहाँ पे पापा जो है वो हलाल है। सो हमने इट्स माय फर्स्ट टाइम हमने चिकन जो है सैंडविच ऑर्डर कर लिए थे पापा से और साथ में हमने एक शवरमा ले लिया था, अदरवाइज़ हम दो ऑर्डर करने वाले थे। सो इट्स माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग इट। तो बर्गर खाने के बाद बारी थी शवरमे की एंड ऑनेस्टली ये इतने मज़े का नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा। इट वाज़ ओके, अगर मुझे भूख लगेगी तो खा लूँगी वरना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन बर्गर बहुत ही मज़े का था, सैंडविच आई मीन। हमारे घर में इसको बर्गर कहते हैं लेकिन यहाँ पे सैंडविच कहते हैं। तो उसके बाद मैंने अपने लिए जो है फैंटा ऑर्डर कर लिया था, वो मैंने पी लिया। और खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमने गपशप की और उसके बाद हम बाहर निकल आए ताकि थोड़ा और जो है बाहर का व्यू और वहाँ का जो है मंज़र इन्जॉय कर सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी शाम होने के करीब है और हर वक्त जो है अगर सुबह का टाइम होगा तो व्यू डिफरेंट होगा,
अभी जो है सुपहर के टाइम जब आए थे तो डिफरेंट था, अभी शाम का वक्त हो रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो यहाँ की खासियत है कि बदलते वक्त के साथ जो है व्यू भी आपको मुख्तलिफ तरह का दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बस स्टॉप, स्कूल, रेस्टोरेंट्स, मॉल सब कुछ यहाँ पे हैं और वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह है। सैर व तफरी के लिए भी है और काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे ख्याल में यहाँ पे रहते भी हैं। तो यहाँ से जो है अभी हम थोड़ा सा वॉक कर लेंगे और वॉक के बाद हम अपने होटल जो है वापस चले जाएंगे। हाय वंस अगेन, अभी जो है हम होटल पहुँच चुके हैं और यहीं पे जो है हम दिन का इख्तिताम करेंगे। आई होप आप सबने मेरे साथ एंजॉय किया होगा, हमने तो आज का दिन बहुत एंजॉय किया एंड आई होप आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिए, मुझे कॉमेंट बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल सके। सो इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।